Hello We have 2019 2 और प्रियम्बदा के साथ आज हम एक डिस्कशन uh, करेंगे आई वोट कॉल इट एन इंटरव्यू एक डिस्कशन करेंगे कि एक जुडिशरी एस्पिरेंट की जर्नी कैसी होती है क्या क्या हर्डल्स uh, फेस करने पड़ते हैं एकेडमिक नॉन एकेडमिक दोनों और कैसे उनको टैकल करना है प्रियम्बदा ने खुद कैसे उन्हें टैकल किया इस पूरी जर्नी को so she'll be sharing that uh, whole experience with us let me introduce her uh, first of all she has completed her graduation from uh, uh, BU barkatullah university and then uh, she was preparing for judicial services examination pehle attempts diye. is attempt she has secured 60th rank so priyamvada to start with सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये आइडिया या ये थॉट कहाँ से आया कि लॉ परस्यू करना है विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग इट उस जर्नी को भी क्योंकि हमें जानना है तुम्हारी पूरी सो so, ये आइडिया कब और कहाँ से आया कि लॉ करना है जब मैं स्कूल में थी तो आई है परीजा जी आए वो okay. एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते तो ये दो मेरे लाइफ में इंस्पिरेशन रहा है जिनके कारण मैंने लॉ एज अ करियर चूज किया ठीक है तो कुछ लोग ऐसे थे आसपास फैमिली में नॉर्मली भी होता है कि आपके फैमिली में कोई लॉ बैकग्राउंड से है तो आपका ऑब्वियसली इन्क्लिनेशन ना उनकी प्रोफाइल को देख के थोड़ा होता है ऑलराइट right. तो फिर तुमने डिसाइड किया कि लॉ पर्स्यू करना है बीयू कैसे पहुंची बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लिया क्या थॉट था uh, मेरा ट्वेल्थ स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद मैंने क्लैट यूजी दिया था okay. जिससे मैं uh, ना, किसी नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट में

टूडे तो so, अच्छी बात है इफ यू परस्यूर लॉ ग्रेजुएशन फ्रॉम सच गुड इंस्टीट्यूट लाइक नेशनल लॉ स्कूल बट अगर बाई चांस नहीं भी होता है तो दिस इज नॉट दू कैन स्टिलियर इन लॉल राइट सो प्रियम बता लॉ में तो आ गए हम ठीक yeah. है ग्रेजुएशन हमारा स्टार्ट हो गया ये थॉट कब पहली बार आया कि जज बनना है आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ माई आंसर सर जब मैं हर एक लॉ एस्परेंट जो लॉ पढ़ाई कर रहा है लॉ स्टूडेंट उसके मन में कहीं ना कहीं एक बार तो आता ही है कि उसको जज बनना है okay. मेरे मन में भी ये ख्याल आते थे सिंस द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज बट आई नेवर बिलीव्ड इन माई सेल्फ मुझे डर लगता था कि शायद मैं इतने घंटे पढ़ाई ना दे पाऊँ इतना डिवोटेड स्टडी ना कर पाऊँ लेकिन फिर मेरे बड़े भैया जिन्होंने मुझे हमेशा पुश किया कि नहीं बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट एंड बिसाइज दैट ऑल्सो मेरे जो ग्रैंड पेरेंट है मेरे बब्बा हैं मेरे ग्रैंड फादर उनका कहीं कही ना कहीं ये सपना था कि मैं जज बनूं तो ये ही मेरी इंस्पिरेशन थी कि ये अगर मुझ पर विश्वास करते हैं तो हाँ मैं कर सकती हूँ और ये ये रीज़न्स थे कि मैंने जुडिशरी चूज़ किया

इयर में फॉर्मली प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया ग्रेजुएशन के या फिर वो थोड़ा-थोड़ा ओवरऑल -थोड़ा था कि थ्रू आउट दी ग्रेजुएशन थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हुई किस तरीके से हुआ था ये नो no, सर मेरे ग्रेजुएशन के दौरान मेरा पूरा फोकस मेरी इंटर्नशिप्स पे रहता था कि कितनी अच्छी जगह से मैं इंटर्नशिप्स करूं कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे जॉब स्टार्ट करना था ओके okay. लेकिन फिर मेरा जब मैंने क्लैक क्लार्क पीजी एग्जामिनेशन दिया वो मैंने क्लियर किया मैंने उसके बाद एलएलएम किया है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल से okay. और वहाँ पे और मेरे पीजी के बाद फिर मैंने प्रिपरेशन फाइनली स्टार्ट किया है okay, okay,

और वो एकदम अलग हो जाते हैं मतलब हॉस्टल में अगर रह रहे हैं तो एक अलग लाइफ उनकी चल रही है कि भाई ये तो जुडिशरी एस्पेरेंट है ये ये ना तो मूड कोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे ये ना तो इंटर्नशिप में बहुत इंटरेस्टेड होंगे इनफैक्ट वो कॉलेज या हॉस्टल लाइफ भी उतनी एंजॉय नहीं करते जितनी करनी चाहिए सो आई गेस यू सेड इज की उसपे तुम्हारा भी यही थॉट है कि वो सब होना चाहिए लाइकोल्यूटली क्योंकि दैट यू लॉ ग्रेजुएट तो भाई जो भी लोग ये सुन रहे हैं जो लॉ ग्रेजुएशन या तो करने वाले हैं या कर रहे हैं आप सब कुछ करिए उस ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में आप इंटर्नशिप करिए सब कुछ करिए और साथ में भी जुडिशरी हो सकता है उसके बाद भी आपके पास टाइम होता है जिसमें आप प्रिपरेशन करके एग्जाम क्रैक कर सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर से हम गए और बस हम हम पे एक अलग टैग लग गया और हमने किसी बाकी चीज में पार्टिसिपेट नहीं किया दिस शुड नॉट हैपन एज यू सेड और नॉर्मल बरकतुल्ला से यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएशन करने के बाद यू डिड पीजी फ्रॉम नेशनल लॉ स्कूल तो तुम्हारा वो एक्सपोजर भी वहां आ जाता है ऑलराइट right. अच्छा आप अपन आते हैं अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन पे कि भाई चलो ये तो कॉलेज का एक अपना दौर था और उसके बाद तुमने ये स्टार्ट किया तो स्पेसिफिकली अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो जैसे कि क्योंकि तुमने कॉलेज के बाद किया कॉलेज का कितना रोल प्रिपरेशन में हो सकता है क्योंकि ये थॉट कहीं ना कहीं कितना भी बोल लिया जाए समझा लिया जाए बट ये होता है कि एक किसी नॉर्मल कॉलेज से किसी ने ग्रेजुएशन किया है और एक नेशनल लॉ स्कूल से या कोई दूसरी इस तरीके की यूनिवर्सिटीज से तो कॉलेज का एक्चुअली कितना रोल होता है इस एग्जाम को क्रैक करने में तो uh, मुझे लगता है कि कॉलेज आपको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करता है लॉ को इंट्रोड्यूस कराता है आपका लेकिन मैं ये नहीं मैं मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि सिर्फ नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स ही कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं कॉलेज आपका कोई भी हो या आपका खुद का चॉइस होता है वो पांच साल में आप खुद एक्सप्लोर करते हैं नॉन नेशनल इंस्टीट्यूट तो मुझे दोनों में कोई खास अंतर ऐसा फील नहीं हुआ सर ऑल राइट right. तो मतलब कॉलेज का ये बेसिक आपको बता दिया जाएगा लॉ कैसे पढ़ना है ये रोल बेसिकली उसका है और उसके बाद जो आपकी अकेडमिक ग्रूमिंग भी है वो आप पे ही डिपेंड करती है अच्छा। कि आप कितने अच्छे से करते हैं ऑलराइट कॉलेज right. uh, में मतलब सिर्फ कॉलेज नहीं होता उसका जो uh, बाकी एक कम्युनिटी हम डेवलप करते हैं जिन्हें हम फ्रेंड्स कहते हैं उनका कितना रोल है इस प्रिपरेशन में चाहे वो फ्रेंड्स लॉ बैकग्राउंड के हो या हो सकता है आपके स्कूल फ्रेंड्स हो जो आपको शायद मॉरली बहुत सपोर्ट करते हो तो सबकी लाइफ में वो एक कम्युनिटी uh, है जिनके साथ ब्लड रिलेशन तो नहीं है बट एक अलग रिलेशन course, अच्छा इस कम्युनिटी का कितना रोल है एग्जाम क्रैक करने में या कुछ भी लाइफ में अचीव करने में तो स्पेसिफिकली तुमने जुडिशियल क्रैक किया है तो यू आर इन बेटर पोजिशन टू टेल अस कि उस प्रिपरेशन के दौरान फ्रेंड्स का क्या रोल होता है सर hmm. मुझे लगता है फ्रेंड्स का एक मेजर रोल होता है बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ओके सर <laughs> so, क्योंकि आपकी जर्नी में जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप लॉ बैकग्राउंड के ही आपके पहचान के फ्रेंड्स हों hmm. वो लीगल बैकग्राउंड के भी होंगे नॉन लीगल बैकग्राउंड के भी होंगे और उनमें से लीगल बैकग्राउंड में से भी कुछ जुडिशियल एस्पिरेंट होंगे कुछ नहीं होंगे तो यू आई बिलीव दैट यू मस्ट चूज योर फ्रेंड्स वेरी वाइजली मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे मेरी प्रिपरेशन के दौरान मैंने अपना बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्कल भी लिमिट किया है Okay. जिसने मुझे मेरे सिलेक्शन के लिए यूज बहुत हेल्पफुल रहा है वो मेरे लिए क्योंकि कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जो मुझे डिमोटिवेट भी करते थे कि तुम ये नहीं कर सकती हम तुम ये क्यों कर रही हो तुम्हें प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए यू नो यू आर नॉट मेड फॉर दिस प्रियम्बदा तो मैंने पर्पजफुली उन लोगों को अवॉइड किया Okay. फिर कुछ थे मेरे साथ फ्रेंड्स जिन्होंने you know, मुझे मोटिवेट किया दैट यस यू कैन डू इट और फिर कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स थे जिनके साथ मेरी पूरी जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन के दौरान बहुत क्लोज इंटरेक्शन रहा है एंड दे हैव ऑलवेज बीन अ वेरी हेल्दी कंपटीशन फॉर मी ओके ऑल राइट तो फ्रेंड्स का बराबर रोल है तुम्हारे हिसाब से दोनों uh. तरीके से और कितना किसको हमें वेटेज देना है दिस इज ऑल राइट ओके नेक्स्ट थिंग डिस्कसिंग इज अबाउट क्योंकि भाई कुछ भी आप लाइफ में कर रहे हैं फैमिली का तो बड़ा रोल है ही mm. उस चीज में सो so, जुडिशरी की प्रिपरेशन में क्या रोल फैमिली का होता है एंड इफ यू हैव समाइस फॉर दोस्त जिनके घर में कोई भी जुडिशरी एस्पेरेंट है सो वट शुड बी दी कंडक्ट ऑफ दिली मेम्बर्स इफ यू कैन शेयर दैट सर आई सर्टनली बिलीव दैट अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है तो यह आपकी जर्नी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी आई हैव बिन फॉर्चुनेट इनफ कि मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ रही है जो भी मेरा डिसीजन हो एंड स्पेशली द मेल फिगर्स ऑफ माई फैमिली माई फादर इसलिए कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे कभी किसी से कम नहीं समझा उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट किया है देन कम्स माई ब्रदर उन्होंने मुझे हमेशा पुश किया है कि तुम अपने आप को आंकती हो तुम यू आर मेड फॉर फार बेटर थिंग्स आई वुड लाइक टू थैंक हिम एंड देन कम्स माई ग्रांड फादर जो इतनी वो नाइन्टी सेवन ईयर्स ओल्ड इतनी एज के बाद भी उनमें वो पुरानी सोच नहीं है कि लड़कियों की सिर्फ शादी करा दी जाए एक एज के बाद उन्होंने मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है उनके कारण मैं प्रियमदा हूँ तो फैमिली का बहुत मेजर सपोर्ट होता है मुझे प्रिपरेशन में जैसे आपने पहले भी बताया टू थाउजेंड नाइनटीन में भी मैं इंटरव्यू से वापस आई थी yes. तो भी मेरे फैमिली ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आ, नहीं तुमको करना है तुमको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है तुमको जैसा भी सपोर्ट चाहे वी आर देयर फॉर यू और स्पेशली मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया था ये कोविड फेज बिकॉज बहुत अनसर्टेनिटी थी लाइफ में कुछ दिखता नहीं था आगे क्या होगा एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे फिर ये रिक्स होने लगी तो इट बिकेम क्वाइट चैलेंजिंग बट मेरी फैमिली का अगर सपोर्ट नहीं होता तो मैं आज यहां नहीं होती तो बाकी फैमिलीज भी जो इनके घर में कोई होंगे तो मैं उनको यही सजेशन दूंगी कि अपने बच्चे पे विश्वास करें और वो जैसा चाहते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए right. so का सपोर्ट होता ही है कई बार ये होता है कि थोड़ा पीयर प्रेशर होता है पे भी और वो रिफ्लेक्ट होता है उस वजह से एस्पिरेंट को तुमने खुद ही वो चीज आंसर करी है वाज अबाउट टू आस्क दैट कि बीइंग अ गर्ल इट इज आई गेस आई वोंट से कि ज्यादा डिफिकल्ट है बट हां इक्वली फैमिली है. exactly. के ऊपर uh, आज भी कुछ भी कह लिया जाए बट सोसाइटी में ये चीज है कि यार अगर बहुत ज्यादा टाइम तक वो प्रिपरेशन जैसे तुम्हारे केस में था कि पिछली बार भी तुमने इंटरव्यू दिया और उसके बाद कोविड का जो गैप आया वो एक प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं सोसायटी का एक प्रेशर फैमिली पे भी होता है कि यार अब यही आप, आप प्रिपरेशन में ही रहेंगे तो फिर शादी कब होगी और अगर कोई लड़का है जो प्रिपरेशन कर है तो उस पर ही होता है कि यार अगर बाई चांस नहीं निकला तो फिर करियर वाइज तुम क्या करोगे सो so, यहाँ पे फैमिली का बहुत बड़ा रोल है टू सपोर्ट ऑल राइट ऑल राइट इसके बाद प्रियम आते हैं एकेडमिक चैलेंजेस की तरफ मेरे हिसाब से मुझे हमेशा इम्पोर्टेंट लगता है कि जो नॉन एकेडमिक है ना वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जिस पे शायद फोकस थोड़ा कम होता है पढ़ाई वाले एस्पेक्ट पे तो सबको पता है कि आप कॉम्पिटेटिव एक एग्जाम की प्रिपरेशन करने आ रहे हैं तो यू हैव टू स्टडी और वो स्ट्रेटेजी और सारी लेकिन एक जो मेंटली जो एक लेवल होना चाहिए एस्पिरेंट अब ये ये डिसीजन लेने के पहले ज्यूडिशरी कि आपको ये सोशल चैलेंजेस भी मेरे ख्याल से दिमाग में रखने चाहिए और यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट तो आप शायद उनको बहुत अच्छे से ओवरकम कर पाएंगे तो जो एकेडमिक चीजें हैं उस पे अगर हम आए तो व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन साथ में होनी चाहिए या फिर ये भी चल जाएगा कि पहले प्री की कर लो और प्री क्रैक होने के बाद आप मेंस की कर लो या पहले एक आइडिया के लिए आपने प्री के हिसाब से प्रिपेयर कर लिया देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस या फिर दोनों साथ में होने चाहिए व्हाट्स योर ओपिनियन तो इन माय ओपिनियन आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका फोकस हमेशा एंड रिजल्ट पे होना चाहिए Definitely. ये नहीं कि फर्स्ट हर्डल क्रॉस होगा तब हम सेकंड के लिए तैयारी करेंगे एंड स्पेशली जुडिशियल सर्विसेज के लिए आप जब मेंस की तैयारी करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे हिसाब से प्रीलिम्स की तैयारी आपकी होती जाएगी क्योंकि ऑलमोस्ट द सिलेबस इज सेम सेम आप लॉ के कॉन्सेप्ट आप अपने जितने अच्छे से क्लियर कर पाएंगे तो आपको एम सॉल्व करने में भी उतनी आसानी होगी बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप हमेशा मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करें आपकी प्रिपरेशन हमेशा मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए लेकिन जब आपका नोटिफिकेशन आ जाए या आपकी प्रीलिम्स की डेट आ जाए तो उसके बाद फिर आपको एम लगाना ऑनेस्टली एवरी डे चालू कर देना चाहिए तो उससे आपको आ, आपका प्रिलिम्स भी तैयारी होगा प्रिलिम्स के लिए एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत बहुत बहुत, बहुत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है

अच्छा एक जो और बड़ी कॉमन क्वेरी है वो ये है कि सिर्फ बेरक्ट पे फोकस करना चाहिए या टेक्स्ट बुक का भी रोल है जुडिशरी की प्रिपरेशन में जो कोर बुक्स हैं किसी भी एक सब्जेक्ट की एक टेक्स्ट बुक भी आपको पढ़नी है या फिर बेरक्ट वुड बी सफिशिएंट व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस सर इन माय ओपिनियन दोनों ही चीजों का अपना इक्वल वेटेज है स्पेशली एम पी के लिए आप बैराक्ट तो कभी छोड़ ही नहीं सकते बहराग पे आपकी हर एक सेक्शन पे अच्छी कमांड होनी चाहिए कि बैराग आपकी बंद भी हो तो भी आप सामने वाले इंसान को समझा सके कि इस सेक्शन में ये 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 असेंशियल्स हैं इस चैप्टर में ये प्रोविजन है इस सेक्शन से इस सेक्शन तक ये ये सारा टॉपिक है तो उतनी अच्छी कमांड आपकी बहराग पे होनी चाहिए हर एक वर्ड में शाल मे नोट Not, हर एक वर्ड पर आपकी कमांड होनी चाहिए लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप बेराग से नहीं कवर कर सकते हैं। जिसमें बहुत कम दिया हुआ है वो लेकिन उसके लिए आपको बुक सप्लीमेंट करनी पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल रेस्ट डिकाटा सेक्शन इलेवन में आप कितना कवर कर पाएंगे उसके लिए आपको रेफर करनी ही पड़ेगी टेक्स्ट बुक कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि बैराग पे दिए ही नहीं गए हैं हुँ, हुँ. वो या तो केसेस से इवॉल्व हुए हैं या कोई डॉक्टर है उनके लिए आप बैराक सफिशेंट नहीं है मुझे लगता है उन केसेस में आपको बुक्स इम्पोर्ट बुक्स रेफर करनी पड़ेंगी तो दोनों की ही अपनी अपनी इम्पोर्टेंसेस ठीक है तो बुक्स और उसका दोनों अपना एडवां अपना रोल है जहाँ जो चीज जरूरी है वहाँ वो आप प्रेफर करिए बाकी बेरिक्स से तो आपको थोड़ा होना ही है और ये चीज तो इस बार एमपी के इंटरव्यू में भी हम लोगों ने चार। देखी कि बेरिट सामने थे एंड आस्किंग द बोर्ड वाज आस्किंग स्टूडेंट्स कि आपने जो बताया वो बेरिट में ढूंढ के बताइए ये भी हुआ है इस बार तो इट इज डेफिनेटली ट्रू की भाई बेरिक पे कमांड तो पहले होनी चाहिए कॉन्सेप्ट साउंड है दैट्स वन थिंग आपको बेरेट में पता होना चाहिए कि कहाँ से रेलेवेंट है और इंटरप्रिटेशन है ऑल राइट right. uh, इसके बाद ग्रुप स्टडी का या कोचिंग इंस्टीट्यूट का कितना प्रिपरेशन में रोल है और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल क्या विदाउट एन ज्वाइनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट भी प्रिपरेशन हो सकती है सर yes, आपने पहले ग्रुप स्टडी के लिए पूछा तो मुझे लगता है वो एक इंडिविजुअल पर्सन का चॉइस है आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो ग्रुप पे स्टडी कर सके आई okay. I...

ट करने के लिए बिटवीन इम्पोर्टेंट एंड थिंग्स कि इम्पोर्टेंट थिंग इम्पोर्टेंट है को प्राइमरी इंपॉर्टेंस देनी है किन को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देनी है और कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसको आप क्लेवली अवॉइड कर सकते हैं ओके ओके सो अगर मैं इस पॉइंट uh, को कंक्लूड करूँ वट आर सीज की अगर आपके पास ये मेंटरशिप ऑलरेडी अवेलेबल है जैसे अगर फैमिली में आपके कोई है Sir. या आपके सीनियर्स हैं कॉलेज के या फ्रेंड्स हैं जो आपको इस चीज पर डायरेक्शन क्लियर कट दे सकते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और रेगुलरली आपको मोटिवेशन uh, और डायरेक्शन मिल सकता है देन यू डोंट नीड टू ज्वाइन एन इंस्टीट्यूट लेकिन अगर ये लैकिंग है आपको उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या, पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना देअ कम्स दी रोल ऑफ कोचिंग करेक्ट कि इससे ज्यादा रोल होता भी नहीं है और ये ही इंपॉर्टेंट रोल है जो इंस्टीट्यूट प्ले करते हैं इन योर प्रेपरेशन ऑल राइट इसके बाद इज uh, जब हम प्रिपरेशन करते हैं ये बड़ा जुडिशरी के साथ ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट uh, सवाल है कि हम हम जब प्रिपेयर करते हैं हमारी प्रिपरेशन कोई स्टेट स्पेसिफिक होनी चाहिए या फिर हमें जनरल पढ़ना है कॉमन सब्जेक्ट्स पे हमने कमांड कर लिया और लेटर स्टेज हम थोड़ा सा state specific हो जाएं या फिर starting से ये चीज क्लियर रखें कि यार मेरा तो यही स्टेट है और मुझे उसके हिसाब से ही prepare करना है के लिए हर state अपना exam conduct कराते हैं कई जगह हाईकोर्ट कराते हैं कई जगह pscs एस सी कराते हैं तो हर एक स्टेट के एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है डेफिनेटली उनको आप सेग्रीगेट करें टाइप ए टाइप बी में कि mm -hmm. किस स्टेट की कैसी रिक्वायरमेंट है जैसे दिल्ली okay. है हिमाचल है वहां पे आपको बैरा प्रोवाइड कर देते हैं मेंस, मेंस में भी में. वहां पे मेन होते हैं बैराज आप राजस्थान देखें एम पी देखें छत्तीसगढ़ देखें मोर लेस वो लोग बैराग के आसपास ही घूमते हैं आपको बैराग पे अच्छी कमांड होनी चाहिए और वहाँ पे बैर प्रोविजन पे आपको एकदम थरो होने चाहिए आपको मेन्स में भी वहां पे बैराग नहीं मिलती, नहीं मिलती कई बार क्वेश्चन ऐसे होंगे एज इट इज आपको आपको सेक्शन ही पूछ लेंगे तो आपकी वैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको उसी टाइम पे सेग्रीगेट कर लेना चाहिए कि मुझे इन स्टेट्स के लिए प्रिपेयर करना है या एक सिर्फ एक स्टेट के लिए नहीं जहाँ पे एक जैसे टाइप ऑफ एग्जाम्स हैं उनको आप चूज कर लें कि एम है राजस्थान है छत्तीसगढ़ है यूपी भी फॉर दैट मैटर यहाँ पे बस लोकल लॉज का कुछ चेंज है बाकी मोरलेस सब्जेक्ट सेम है तो आप ऐसे अपना अपना अगर चॉइस करें तो आप जल्दी सिलेक्शन और से और आपकी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। all right, all right. So what you're saying is कि आप कैटेगरी वाइज डिवाइड को अप्रोच अप्रोच के हिसाब से डेफिनेटली में 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 डिफरेंस है। जैसे प्रोवाइड होता जो सारे मेंस के पोर्शन पेपर का इस तरीके से होता है बट अगर ऑन दी कॉन्ट्री हम राजस्थान एमपी यूपी यहाँ के पेपर देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जैसे आपके सेमेस्टर एग्जाम में होते हैं उस तरीके के सो so, वहां आपको ये रिक्वायर्ड है कि आप बेरिट पे कमांड आपकी होनी चाहिए ठीक है ये चीज सही है कि स्टेट वाइज आप अपने आप को सेग्रीगेट करें और उस हिसाब से प्रिपरेशन करें अच्छा जैसे एक ग्रुप ऑफ स्टेट सेलेक्ट कर रहा है स्टूडेंट लेकिन उसमें भी लोकल लॉज का डिफरेंस है कई बार प्री में थोड़ा बहुत डिफरेंस है जैसे यूपी में जीएस का भी पेपर है एमपी में नहीं है राजस्थान में थर्टी मार्क्स अप्रोक्सीमेटली हिंदी इंग्लिश ले जाते हैं सो जा, so, इस चीज को थोड़ा मैनेज करने का कुछ तरीका कि कैसे इसे मैनेज किया जाए सर मुझे मैं उसके लिए भी सेम आंसर ही दूंगी कि आपकी खुद आपकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपकी चॉइसेस पे आपको करना चाहिए कि आपको अगर आप हिंदी से फेमिलियर हैं Suppose कोई तमिलनाडु से है वो हिंदी से नहीं है familiar, उसको ऐसा नहीं करना करना चाहिए जहां पे हिंदी है है okay. तो, ah, क्योंकि वो एक अलग स्किल है जो आपको develop करना पड़ेगा. कई बार ये भी मतलब बड़ा ही इनफॉर्मल तरीके से ये चीज मैं बता रहा हूँ कि ये मैंने ये भी देखा है में, जैसे गुजरात स्टेट है तो प्री उसका इजी है तो ये भी है कि लोग गुजराती सीख रहे हैं उसके लिए

बी प्री और दोनों कितना सिग्निफिकेंस है प्रीवियस ईयर पेपर्स का प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर पेपर्स का मेजर सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंट रोल है एमपी ज्यूडिशियल जुडिशियल सर्विसेज में स्पेशली वहाँ पे आप जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि देर इज अ मेजर पोर्शन जो एज इट इज क्वेश्चंस भी कई बार रिपीट हुए हैं और मोरोल अगर क्वेश्चंस नहीं भी रिपीट होंगे तो वो टॉपिक आपको पता चल जाएंगे मेजर टॉपिक्स जिनमें जिनमें वो क्वेश्चन रिपीटेडली बनाते हैं तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैं सिर्फ पास्ट टेन ईयर्स नहीं मैं Uh, पूरे जब 1996 से लेके अभी तक के आपके जितने क्वेश्चन हैं वो आपको एक बार देखने ही चाहिए और पास टेन इयर्स तो आप बिल्कुल छोड़े ही नहीं वो तो आपको करने ही चाहिए और उनमें भी मुझे लगता है आप बार बार उनको देखें तो आप थरो हो जाएंगे उन क्वेश्चन से तो बहुत बड़ा रोल है अच्छा इसके बाद एक चीज और जो कि इम्पोर्टेंट होती है स्पेशली इन स्टेट्स में जहाँ पे उतना जैसे डीजे से कल एग्जाम हो गया कि थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस ज्यादा है बट प्री में तो वहां भी आपको मेमोराइज करने वाली चीजें हैं कि भाई आ, बेरेट की चीजें आपको याद होनी चाहिए मेमोराइज करना है लॉज का कनेक्शन होता है एक से दूसरे में वो कनेक्शन कैसे ड्रॉ करना है इसके लिए कुछ आ, टिप्स uh, बता सकती हो स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे इन चीजों को याद रखा जाए और जो कनेक्टिविटी एक दूसरे से कनेक्शन है उस पर कैसे बेटर कमांड किया जाए मेमोराइजिंग के लिए तो मैं कहूंगी कि रिपीटेड रिविजन वो आपको हेल्प करेंगे क्योंकि लॉ ऐसे होते हैं यू टेंड टू फर्गेट आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे लेकिन वापस से थोड़ी दिन बाद आप कोई स्टैट्यूट उठाएंगे तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन फिनोमिनन है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं आप भूल सकते हैं क्या सेक्शन है तो आप जितनी बार पढ़ेंगे उस चीज को रिवाइज करेंगे आपको वो नॉलेज उतना थरो होता जाएगा एंड बिसाइड्स दैट जैसे आप कोई नेमोनिक्स बना सकते हैं mm -hmm, mm -hmm. जैसे मुझे वो याद करने में बहुत डिफिकल्ट होती थी कॉन्ट्रैक्ट में कि कॉर्जन कौन सी सेक्शन में उसके mm -hmm, बाद mm -hmm. क्या आ रहा है तो उसके लिए मैंने एक नेमोनिक पढ़ा था कैन यू फेव मी फॉर माय मिस्टेक्स तो वो इट बिकम्स वेरी इजी टू मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स और इंटरलिंकेज के लिए मुझे लगता है वही जब आप बार बार आप फर्स्ट फर्स्ट रीडिंग में अपने लॉ के आप उसको दूसरे लॉ से आप इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि आप इंटरलिंक कर पाए लेकिन डे बाय डे जब आप उसको जितना ज्यादा पढ़ते जाएंगे आप उतना ज्यादा खुद से ही आपकी इतनी थिंकिंग डेवलप हो जाएगी कि आप खुद से इंटरलिंक कर सकते हैं एंड दैट जब आप तो, उनकी बुक्स भी पढ़ेंगे तो उनमें भी कहीं कहीं प्रोवाइडेड होता है कि दिस सेक्शन सेक्शन मस्ट बी रेड विद दैट 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 आर्टिकल और ओके ओके ठीक है तो याद रखने के लिए भी ये हो गया कि आप जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना बेहतर है और जो इंटरलिंकिंग है वो तो एक स्टेज के बाद ही होगी जब एक बार एटलीस्ट आपने सारा कर लिया जब हम दोबारा उन सब्जेक्ट को रिवाइज करते हैं तब वो थोड़ा सा क्लिक होना ज्यादा जा, स्टार्ट होता है ऑल राइट right. एमपी uh, जुडिशरी की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ प्रिलिम्स में जीके कंप्यूटर और इंग्लिश इसका बहुत मेजर रोल है मतलब फोर्टी मार्क्स कैरी करता है प्रिलिम्स एग्जामिनेशन में और ये गेम चेंजर भी होता है क्योंकि लॉ में तो मोर और लेस सबके सिमिलर मार्क्स होते हैं बट ये जो फोर्टी मार्क्स है ये पूरा गेम चेंज करते हैं सो वट इज दी टू प्रिपेयर दीज से सो इनके लिए भी मैं आप सजेशन देना चाहूंगी व्यूवर्स को कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को आप जितने अच्छे से एनालाइज करेंगे जितने स्मार्टली एनालाइज करेंगे आपके लिए ये सेक्शन उतना ज़्यादा ईजी हो जाएगा आ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जीके में एम भी है करंट अफेयर्स भी है स्टैटिक जीके भी करना है आपको तो इसमें अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज uh, करेंगे तो आप एरियाज आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि right. कौन से एरिया से में ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपका आप थोड़े कन्फाइन हो जाएंगे क्योंकि जीके का तो इतना वाइड स्कोप है आप कितना भी करें देर इज नो एंड टू इट तो प्रीवियस इयर्स क्वेश्चन एनालाइज करने से आप अपना एरिया स्पेसिफाई कर पाएंगे कि मुझे ये पोर्शन में मेजर एम्फोसिस देने देन योर वर्क विल बिकम इजियर

काम आता है ओके सो कंप्यूटर के लिए ल्यूसेंट इज कि ये भी में कि वो जो 20 है, नहीं है yes, जैसे लॉ yeah. में सब कुछ फिक्स है sure. सेक्शन sure. so, तो yes, जीएस का हम छोड़ सकते हैं कौन सा पढ़ना है ओके yeah. okay. uh, yeah. अच्छा ऐसे ही ये तो हो गई प्री की बात जो अपार्ट फ्रॉम लॉ चीजें हैं ऐसे ही मेंस में भी है

मैंने ये चीज डी किया है कि कई बच्चे और फॉर दैट मैटर मैं भी अभी तक इससे पहले तक पेपर टू और पेपर फोर को मैं इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती थी मैं हमेशा पेपर वन और पेपर थ्री में फोकस थी, करती फोकस थी हाँ। तो सिलेक्शन वो ही मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेंस है सिलेक्शन वो ही सिक्योर कर पाते हैं जो चारों पेपर पे इक्वल फोकस रखते हैं तो आपको चारों पेपरों में ईगल इक्वल फोकस रखना चाहिए और पेपर टू की बात हुई तो ट्रांसलेशन्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगी एक मनमोहन जोशी सर की बुक आती है उसमें सारे प्रीवियस ईयरस के ट्रांसलेशन है तो वो आप फॉर श्योर करके जाए क्योंकि एमपी में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू रिपीट वो वापस से वही रिपीट करते हैं क्वेश्चन तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा फिर उसके बाद आप डिगलॉट बैराक्ट पढ़ें है। कि आप जब एक प्रोविजन कोई पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं है पूरी बैराग आप हिंदी में पढ़े लेकिन कुछ जो मेजर मेजर प्रोविजंस है मेजर वर्ड्स हैं मेजर फ्रेजेस हैं उनको आप डग्लोट से देखते जाएं और ये करके आप अपने खुद की एक ग्लोसरी भी बना सकते हैं कि आपको जो वर्ड नहीं आता उसे आप अपनी ग्लोसरी में लिखते जाएं और फिर जब भी आपको समय लगता है सोने से पहले या आप सुबह उठ के जैसे कंफर्टेबल हो एक

सो दिस इज अबाउट पेपर टू इसके बाद आ, बात करते हैं पेपर फोर जजमेंट राइटिंग का क्या रोल है आपके स्कोर में कैसे mm -hmm. कितना वो significant है? दूसरी चीजिंग कब पढ़ना चाहिए क्योंकि एक प्री रिक्वेस्टेड जजमेंट राइटिंग का बहुत नेचुरल है की आपका लॉ पे पहले कमांड होना चाहिए आपको प्रोसीजरल लॉज लॉज आने चाहिए तब भी यू आर इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड दैट सो वो कब करना है और कैसे क्या करना है जजमेंट राइटिंग के लिए। so, रेलेवेंस है uh -huh. ये मैंने ड्रॉबैक में, में ये सहा था कि मेरे पेपर वन टू थ्री में बहुत अच्छा स्कोर था मेरा इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा स्कोर था बट मेरा सिलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे जजमेंट राइटिंग में एक्सेप्शनली लो थे okay. ये चीज मैंने आइडेंटिफाई की और जजमेंट uh, राइटिंग के लिए Course, जैसे सर आपने कोट किया कि आपको तभी स्टार्ट करना चाहिए जब आप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए लॉ की दोनों प्रोसीजर्स की स्पेशली सिविल की भी और क्रिमिनल की भी जब आपकी वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए फिर आप जजमेंट्स की तैयारी चालू करें उसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है भारद्वाज सर की वो आपको सर का जैसे सर खुद भी प्रैक्टिसिंग जज रहे हैं रिटायर्ड जज तो उनका वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं उस बुक में रिफ्लेक्ट होता है मैं मैंने वो बुक फॉलो की उसके अलावा एक रॉबिन जीत सर की भी आती है तो दोनों बुक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी है आपको दोनों पढ़नी चाहिए बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है सर कि अगर आ, क्योंकि हर जज का अपना जजमेंट राइटिंग स्किल अलग अलग होता है, है। इसलिए वो दोनों बुक्स में भी अलग अलग थोड़ा सा अप है। है। तो अगर आप रॉबिन जीत सर की बुक का फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा फिनिश करना तो मैंने यही फॉलो किया सर दोनों बुक्स पढ़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और उसके बाद फिर जो भारद्वाज सर का फॉर्मेट था कहीं ना कहीं सेफ साइड की मेरा तीन घंटे में पेपर फिनिश हो मैंने वो फॉर्मेट फॉलो किया सर ओके okay. तो आइडिया दोनों बुक से लें यस सर और फिर एक अपना वे अप... आपको डिराइव करना है एक्चुअली जजमेंट राइटिंग से को जहां तक मैं भी इस पेपर को समझ पाया हूं कि ये थोड़ा सा नेचुरल हो तो ज्यादा बेहतर है मतलब फॉर आइडिया

पेपर हम सारो सारे पेपर्स को हम बराबर इम्पोर्टेंस uh, दे रहे हैं सो so, अब पेपर वन और थ्री के लिए भी uh, एक ये जरूरी है कि जो आंसर राइटिंग है वो भी एक स्किल है उसको भी बहुत प्रॉपर तरीके च्या? से करना चाहिए सो so, उसके लिए क्या किया प्रियम आंसर राइटिंग के लिए और क्या एक्चुअली uh, उसके लिए करना चाहिए एक्सपेरेंस को च्या? उसे बेटर करने के लिए सर so, मुझे बहुत ज़्यादा मैं इतनी ज़्यादा हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं थी मुझे मेरी वैसे हैंड राइटिंग फिर भी ठीक है लेकिन एग्जाम लिखने बैठे तो वो तीन घंटे का प्रेशर की आपको कंप्लीट करना है मेरी हैंड राइटिंग भी कॉम्प्रोमाइज होती थी उतना फिनिश्ड आर्ट नहीं आता था मुझे नॉलेज था लेकिन मैं उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी तो उसके लिए मैंने एलेग टीम को बहुत 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 थैंक यू कहूंगी कि उनके साथ मैंने आंसर राइटिंग सीरीज ज्वाइन की और उन्होंने मुझे एक एक करेक्शन बताए है, मेरी हैंड राइटिंग से लेके मेरी प्रेजेंटेशन स्किल से लेके मेरा कंटेंट रेलेवेंट है या नहीं है आप टू मार्क है या नहीं है मुझे इस मेंस टेस्ट सीरीज में बहुत हेल्प किया है तो मीन्स uh, आपको पेपर्स के लिए पेपर वन और थ्री के लिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को लिखना आपके लिए उतना ज्यादा फ्रूटफुल होगा क्योंकि कई बार मेरे जैसे और भी होंगे जिनको नॉलेज है लेकिन वो चीज एक्सप्रेस कर एक पाना एक और चैलेंज होता है इन पेपर में कि कई बार स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन कोई बहुत अच्छा आता है या एक क्वेश्चन नहीं।, नहीं आता तो एक क्वेश्चन जो बहुत अच्छा आता है वो उसको हाफ एन आवर दे देंगे फोर्टी मिनट्स दे देंगे जिससे उनका बाकी क्वेश्चन पेपर कॉम्प्रोमाइज होता है अगर वो हाफ एन आवर भी दे रहे हैं किसी क्वेश्चन को एट मार्क्स की क्वेश्चन तो एग्जामिनर चाह के भी उनको आठ मार्क्स से ज्यादा नहीं दे नहीं सकता दिस्टा, दिस्टा, तो स्टूडेंट्स तो को वो सब चीजें कंसिडर करनी चाहिए कि और वो सब चीजें सब प्रैक्टिस के साथ ही आती हैं कि एक आंसर को कितना टाइम देना है क्योंकि इन पेपर्स में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है अच्छा एक चीज और इस आंसर राइटिंग को लेके होती है नॉर्मली कि स्टूडेंट्स को लगता है कि बस थोड़ा बहुत हम एफर्ट करेंगे और वो चीज इंप्रूव हो जाएगी इस पे मैं चाह रहा था एक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम योर साइड क्योंकि बहुत इम्पेश अभी जो जनरेशन है वो हर एस्पेक्ट में हर चीज के हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए <laughs> uh, मुझे आंसर लिखे सारे टेस्ट दिए sure. उस पर हमने देखा कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं वेट इट सेम फॉर दिस ईयर एज वेल थ्रू आउट ईयर भी तुमने वो राइटिंग प्रैक्टिस करी उसके बाद ये रिजल्ट है सो sure. so, ये कितना इम्पोर्टेंट है टाइम इसमें सर टाइम किसी पर्सन के लिए डेफिनेट नहीं होगा सब इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है लेकिन ऑफ बिल्ड वाज नॉट रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे तो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस सर वो चीज़ ऐसा नहीं है ना टू प्लस टू फोर ही आएगा इट विल टेक सम टाइम इसमें कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि आप इतने दिन में प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा इट इज अ स्किल जैसे जजमेंट राइटिंग इज एन आर्ट वैसे ही राइटिंग इज एन आर्ट वो धीरे धीरे आप डेवलप करेंगे एंड प्रैक्टिस होनी चाहिए और वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए कंसिस्टेंट होनी चाहिए डेफिनेटली ठीक है तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से ही वो आर्ट आएगा दिस यू ऑल शुड अंडरस्टैंड उसके लिए थोड़ा पेशेंस होना जरूरी है ओके अच्छा इसके बाद अब ये तो हो गया कि आंसर राइटिंग कर ली जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो वो कैसे प्रिपेयर किए और इससे कितना फायदा एग्जाम टाइम में होता है नोट्स बनाने का सर नोट मेकिंग का ये फायदा मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि वो आपका रिविजन का टाइम बहुत ज्यादा कट शॉर्ट कर देता है ओके okay. Uh, मैंने अपने नोट्स ऐसे बनाए थे कि सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एनालाइज़ किए फॉर एग्जांपल अगर चार्ज मैं पढ़ रही हूँ तो मैंने चार्ज के फर्स्ट चार्ज के नोट्स बनाने से पहले फर्स्ट पेपर uh, में सारे प्रीवियस इन क्वेश्चन लिखे उसके अलावा मैंने ये एनालाइज किया कि इन के अलावा भी कौन से प्री के क्वेश्चन के क्वेश्चन बन सकते हैं और फिर मैंने उसके बाद अपने नोट्स बनाना चालू किए उसमें मैंने इंट्रोडक्शन लिखा उसके बाद मीनिंग हो सकता है वो हर एक टॉपिक पे डिपेंड करेगा क्या और मैंने सेक्शंस भी अगर लिखे हैं तो वो एज इट इज बहराग को कॉपी नहीं किया मैंने कोशिश की मैं उसको कैसे आर्टिस्टिकली अपने खुद की लैंग्वेज में लिख सकूं कि एग्जामिनर okay. को इजी हो जाए वो चीज पढ़ने के लिए ये मेरी अप्रोच रही थी आ, अपने नोट्स बनाने के लिए फिर उनको मैंने सप्लीमेंट किया है मे जो लैंडमार्क केसेस से या रीसेंट कोई डेवलपमेंट हो रहा है वो केसेस ऐड करने से उसके बाद कंक्लूजन में मैं क्या रखूंगी ये मैंने अपने नोट्स में मैंशन uh, किया और नोट्स ने फिर मुझे एंड में, में जब जैसे मुझे एग्जाम में भी दो घंटे मिलते हैं बीच में हुँ, हुँ, हुँ. तो वो रिवाइज करने में मुझे ये नहीं प्रेशर आया कि मुझे हर, इतनी बुक मोटी बुक पढ़नी है मुझे सिर्फ चालीस से पचास पेजेस देखने हैं और मेरा रिविजन पूरा हो जाएगा ठीक है तो नोट्स का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है जिस तरीके आ, से आप बना रहे हैं revision में तो definitely, आ, आपको फिर multiple sources पे बाद में जाना नहीं पड़ता ठीक है मुझे ऐसे अप्रोच करना है उसको ठीक है तो ये चीज तो गई कि हमने आंसर राइटिंग की बात की हमने नोट मेकिंग की बात की अब एक्चुअल जब एग्जाम में आप बैठते हैं उस तीन घंटे को मैनेज करना इज ऑल टूगेदर अ डिफरेंट टास्क वो बहुत डिफिकल्ट और वो जिसने कर लिया उसने एग्जाम क्रैक कर लिया अगर वो थ्री आवर्स मैनेज हो गए प्री में उतना नहीं होता है बीच में लास्ट ईयर जरूर ऐसा हुआ था कि थोड़ा लेंदी पेपर था बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता है मैनेज हो जाता है प्री में फिर भी बट मेन्स एग्जाम में एग्जामिनेशन हॉल में उस टाइम को मैनेज कैसे किया जाए अच्छा Sir, यही होता है कि पढ़ते सब लोग हैं लेकिन आपका परफॉर्मेंस उसी बेसिस पे जज होगा जो वो तीन घंटे आपने जो आपका परफॉर्मेंस निकला है आपके मार्क्स उस पर डिपेंड करेंगे तो आ, मेरे हिसाब से कि आप पहले से ही जैसे टेस्ट सीरीज भी मैंने की थी तो मैं इस बार इतनी प्रिपेयर्ड थी कि वो तीन घंटे मुझे लिखना है मेरा हाथ दर्द नहीं होगा mm. मैंने इतना अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप किया है आपके साथ भी इतने सेशंस हुए हैं आपने भी वो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने में मुझे हेल्प की कि तुमको वो नेवर से डाई वाला एटीट्यूड mm. डेवलप करना चाहिए कि ठीक है मैं एक क्वेश्चन अगर मुझे पेपर में नहीं आ रहा है तो मुझे पैनिक नहीं होना है मुझे बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि यस यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट मेरा फर्स्ट पेपर में सर आंसर छूट गया था हाँ। अब अगर मैं उस चीज से ऑफ कोर्स उस चीज मुझे बहुत परेशान किया लेकिन वही चीज मैं अगर परेशान हो जाती बहुत ज्यादा तो मेरा सेकंड पेपर भी हैम्पर होता हुँ। तो हुँ। मेरा सेकंड पेपर में बैठने से पहले मैंने वो चीज हटाई की ठीक है जो हो गया सो हो गया अभी भी ये तीन पेपर मेरे हाथ में मैंने अभी तक मेहनत की है मैं वर्दी दी हूँ और मैं करूंगी ओके ओके So, ये जो सारी चीज़ तक मैं समझ पाया हूँ इस चीज को तुम्हारे आंसर से कि वो कहीं ना कहीं आता है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से जो yes, आपने सब सबसे पहले कहा था कि सबसे पहले सेल्फ रिलायंस चाहिए सेल्फ बिलीफ चाहिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है और थोड़ा बहुत कई बार हो जाता है ये डेफिनेटली है क्योंकि यार चार पेपर होते हैं और कुछ ना कुछ तो उन्नीस होगा हर चीज आप बहुत परफेक्ट कराएंगे हो कुछ ना कुछ तो होगा नहीं अच्छा जब ये तो एग्जामिनेशन की हॉल एग्जामिनेशन हॉल की हमने बात की मैनेज करने की अपनी चीजों को जो प्रिपरेशन वाली जर्नी होती है उसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ता है अपनी स्टडीज को यू हैव टू स्टडी फॉर आवर्स है ना उसके बीच में कैसे ब्रेक्स और क्या तुमने किया उसके लिए टू रिफ्रेशर सेल्फ की भाई चलो अब एक श्रॉट मैंने पढ़ा अगले के लिए मैं जाऊंगी तो वो ब्रेक्स कैसे मैनेज होते हैं और क्या exactly वो ब्रेक्स होते हैं सर वो आपके सबके इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो सकते हैं कोई सिर्फ आधे घंटे पढ़ने के लिए बैठ सकता है कोई दो घंटे की सिटिंग कोई तीन घंटे की सीटिंग तो वो आप अपना डेली रूटीन आप खुद से आइडेंटिफाई करें और बीच बीच में ब्रेक्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। है नहीं। आपके मेंटल हेल्थ के लिए और आपके फिजिकल हेल्थ के लिए भी Definitely. क्योंकि आप तो मैंने सफर किया सब बैठे बैठे लॉन्ग सीटिंग्स में मुझे मस्किलोर्स पाजलो हो गया था तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बीच बीच में ब्रेक्स लें आपको जो अच्छा लगता है आपको गाने अच्छे लगते सुनना आप वो कर सकते हैं आप मैं पर्सनली सब अपने घर के सामने वाली बैल्कनी में जाके वॉक कर लेती थी या ज्यादा डीमोटिवेटेड फील करती थी तो आई यूज टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक्स तो वो चीज मुझे बहुत हेल्प करती थी अपना माइंड uh, रिफ्रेश करने के लिए भी और समटाइम्स सब मेरे उसमें अपने टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाते थे कि करते करते जो मैं पढ़ के आई मैं अपने आप को समझाती और वॉकिंग से अपनी और थोड़ी सी ना मुझे ऐसा लगता है कि अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी ब्रॉड होती है

इक्वल इंपॉर्टेंस है और अपने उसके खुद के इंडिविजुअल चैलेंजेस हैं सो इज द इंटरव्यू इंटरव्यू भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपकी आ, आपके सिलेक्शन में अगर वो आपका सिलेक्शन इंश्योर नहीं करता बट hmm. वो आपकी रैंक्स डिसाइड करने में एक मेजर डिसाइजिंग फैक्टर है और इस बार तो 20 मार्क्स भी उन्होंने मिनिमम प्रिस्क्राइब कर दिए हैं कि आपको उतने सिक्योर करने ही हैं और सर वहाँ पे मेरे दो इंटरव्यू के एक्सपीरियंस से ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि इंटरव्यू बोर्ड आपको बहुत ज़्यादा आपका नॉलेज नहीं टेस्ट करता है वो आपसे लॉ के क्वेश्चंस पूछेंगे बट वो अज्यूम करके चलते हैं कि हाँ इन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है इन्होंने मेंस क्वालिफाई किया है तभी हमारे साथ बैठे हैं नहीं।, नहीं तो आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि आप नहीं। 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 उनके साथ बैठ सकें तो वो मेजर उनका ये प्रिजम्पन रहता है बाकी आपको वहाँ पे ऑनेस्ट होना चाहिए मुझे लगता है कि कई लोग बहुत ज्यादा मैन्युपोलेटिव होने की कोशिश करते हैं भी नहीं लगने चाहिए आपके आंसर्स। बिल्कुल नहीं सर okay. आपको ऑनेस्ट होना चाहिए आप बस कॉन्फिडेंट रहें और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें उनमें से में, पैनल में से कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जो आपको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करेंगे लेकिन उनमें से एक आध ऐसे होंगे जो आपके लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेंगे, करेंगे। तो, 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 तो तब भी आप अपना काम कंपोजर बना करके रखें जिस स्माइल के साथ आप साथ आप अंदर गए थे कोशिश करें वो स्माइल के साथ आप बाहर आए और अगर आपके लिए वो अनईजी uh, माहौल भी हो रहा है तो आप बस पॉजिटिव रहिए अगर आपसे वो नेगेटिव क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं आप उनको कैसे पॉजिटिवली आंसर uh, कर रहे हैं वो चीज मुझे लगता है कि बोर्ड मेंबर्स देखते हैं कैंडिडेट्स में okay, okay. अच्छा ये तो ठीक है जो तुमने कहा कि ऑनेस्ट रहना है आपको कोर्ट के सामने कुछ भी चीजें आप आर्टिफिशियल ऑब्वियस सी बात है ऑनरेबल जजेस होते हैं वहां पे और आप कर नहीं पाएंगे फेक वहां वो वो आपको ऑनेस्ट जो होगा वो निकल आएगा सामने एक चीज जो मैंने फेस की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा प्रमोशन भी कर लू मैं अपना इंटरव्यू <laughs> प्रोग्राम हम लोग जो रन करते हैं विच इज

कि सर मेरे पीएचडी के टॉपिक से क्वेश्चन तो नहीं हो जाएंगे yeah. कोई गोल्ड मेडलिस्ट है किसी सब्जेक्ट का अब उसने वो कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ईयर में पढ़ा था उसके बाद पढ़ा नहीं वो मेंशन करने से डर रहा है कि मैंने अगर वो मेंशन कर दिया तो उससे क्वेश्चन हो जाएंगे पता नहीं करना चाहिए या नहीं सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि आपने कुछ अचीव किया है लेकिन आप डर रहे हैं इनटू और इस पे बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इन द इंडस्ट्री कुछ लोगों का मानना है करें ना करें सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर uh, मेरे हिसाब से वहाँ पे आपको इस चीज़ में भी ऑनेस्ट होना चाहिए कि अगर आप अपनी कोई इन्फॉर्मेशन अगर उनसे छुपा रहे हैं कि ठीक है आपने एलएलएम किया पी एच किया आप वो छुपा रहे हैं तो वो उनके लिए बहुत ठीक नहीं होगा क्योंकि आगे भी वेरिफिकेशन होते हैं पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो इतनी मेजर इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है आपको नहीं आपको अगर वो आपने मेंशन किया है आपको नहीं आती वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उनसे डेफ़र कर सकते हैं कि सॉरी सर आई के नॉट रिकॉल इट एट दिस मोमेंट ऐसा करके तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं चालता है लेकिन मुझे लगता है mm -hmm. आपको ऑनेस्ट होना, होना चाहिए तुम्हारी बात वो ज्यादा <laughs> <माने थी। laughs> कि जो किया है उसको एक्सप्रेस करने में मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम है अगर आपने वाकई किया है जैसे कुछ केसेस मेरे सामने आए थे इस इंटरव्यू प्रोग्राम के थ्रू कि भाई आ, मैंने किसी फर्स्ट ईयर में मैंने एक सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल लिया है बट बेस्ट का कहना है सर अब तो जुडिशियर ग्रेजुएशन के बाद दो साल में बैठ के जुडिशियल प्रिपरेशन कर रहा हूँ और उन बारह सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट है नहीं यार ये बात तो बोर्ड भी समझता है ना कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है पिछले पांच साल से आपने वो सब्जेक्ट रिवाइज नहीं किया होगा सो वो आपसे जनरल जो ओवरव्यू होगा वो ही आपसे होगा yes, में अगर वो झा भी रहे हैं आपको थोड़ा बहुत सताने के लिए तो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग दी करेक्ट आंसर मुझे लगता है अप्रोच अगर आपकी सही है देन इट इज फाइन अप्रूविंग दिस थिंग कि भाई सही चीज तो बतानी ही चाहिए ऑनेस्ट ऑल राइट ओके सो दिस इज अबाउट द इंटरव्यू इसके बाद इस पे ऑलरेडी हमने दो थोड़ी बहुत बात कर ली है आ, बट फिर भी एक बार दोबारा मैं इस चीज को उठा रहा हूँ एग्जामिनेशन हॉल के टाइम की हमने बात की थी बट वो फियर कहीं ना कहीं हमने उस चीज का आंसर ऑलरेडी कर दिया है बट वो एग्जाम हॉल में जो फियर होता है ना या मैं तो कहूंगा इनफैक्ट एग्जाम हॉल में जाने के पहले चा? और स्पेशली उनके लिए जो ग्रेजुएशन करके थोड़ा बहुत टाइम कई बार लग जाता है कि आप इमीडिएटली नहीं क्रैक कर पाए आप दो साल तीन साल लग गया आप आपका तीसरा अटेम्प्ट है पिछले में भी आपने इंटरव्यू दिया है उससे पहले भी दिया है वो जो एक बहुत बड़ा बोझ अपने सर पे लेके आप एग्जाम हॉल के बाहर खड़े होते हैं या जब एग्जाम हॉल में एंटर होते हैं और वहां एग्जाम में अपीयर होते हैं हाउ टू मैनेज दैट एंड बिलीव मी इसका बहुत अच्छा आंसर तुम दे सकते हो बिकॉज़ यू हैव গন थ्रू ऑल दिस यस सर I'm seeing your journey for last three years, तो उसमें सब कुछ हुआ है sure. हम इंटरव्यू तक गए हैं फाइनल सिलेक्शन से रुके हैं sure. उसके बाद हम दोबारा उसी जील के साथ आ रहे हैं और वो जो एग्जाम हॉल के बाहर खड़ा होना उस प्रेशर को लेके इट्स नेवर इजी सो हाउ टू टेकल दैट एज दी ऑफ मैं आपने मेरी जर्नी बहुत क्लोजली देखी है मेरे अप्स एंड डाउन्स मैं कितनी हाइपर हो जाती थी यहाँ पे पेपर्स देते वक्त भी एंड इट वॉज जस्ट दैट प्रेशर कि hmm. यहाँ तक गई हूँ अब रुक जाऊंगी मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है तो कैसे होगा तो सर इसके लिए मेरी प्रिपरेशन के दौरान भी इस बार मैंने अपने स्टडी टेबल में सामने यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट मैंने अपना स्टिक करके रखा था और वही चीज मैंने अपने आप को हमेशा याद दिलाई है कि हाँ hmm. तुमने हार्ड वर्क किया है यू आर वर्दी ऑफ इट यू यू हैव टू डू इट यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट बस मैंने ये चीजें अपने आप को पॉजिटिव अफॉर्मेशन मैंने अपने आप से कहे हैं अपने मन को बहलाया कि ठीक है मैं अगर वहां परेशान हो जाती सर तो वो मेरा पेपर में हैम्पर होता ना मेरी इतने साल की प्रिपरेशन मेरा नॉलेज मैं कैसे एग्जामिनर को दिखा पाऊंगी तो मेरा ये सजेशन है सभी व्यूअर्स को कि ये डर को अपने ऊपर हावी ना होने दे आपका जो भी परफॉर्मेंस आपकी तैयारी है वो सिर्फ आपके तीन घंटे के परफॉर्मेंस में ही एग्जामिनर आपको जज कर पाएगा वो नहीं देखेंगे आपने सोलह घंटे पढ़ाई की चौदह घंटे पढ़ाई की वो सिर्फ और सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे वो में। मुझे हम देखते हैं कि कि किसी का तो एक बार में निकल गया था कोई एस्पिरेंट है जो अभी ग्रेजुएट हुआ है, फ्रेश उसने पहला अटेम्प्ट दिया एग्जाम तीनों करके बन गया कुछ होते हैं जिनका पहली बार में नहीं हो पाता है हो सकता है दूसरी बार भी नहीं वहां पे ज्यादा थोड़ा सा ये आ जाता है कि यार पता नहीं सही कर रहे हैं या नहीं वहां ये चीज ज्यादा मेरे ख्याल से मेजर रोल प्ले करते जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप सबको ना बहुत फास्ट चाहिए सब कुछ so, यार सबका अलग है सबकी टाइमलाइन अलग है जिंदगी की किसी को कुछ जल्दी मिल सकता है आपको टाइम लग सकता है लेकिन इफ़ यू आर ऑनेस्ट टूवर्ड्स दैट तो मिल जाएगा

मजे चल रहे हैं यू आर सेटिंग इन रूम विद लॉट्स ऑफ बुक ये चीज आप ये सेक्रीफाइस तो एवरीबॉडी नोज कि हाँ ये वाला तो एक है इसके अलावा और क्या सेक्रीफाइसेस हैं और उस टाइम पे वो अपने आप को कैसे हमें कंट्रोल करके रखना है कि वहां गिव अप ना हो तो वही आपने जैसे बोला सोशल मीडिया का तो सोशल मीडिया मैंने अवॉइड किया हमेशा से ही और एक रीज़न ये भी था और एक और रीजन होता है कि आपको समझ नहीं आता आपने कितना टाइम फेसबुक पे इन्वेस्ट कर दिया यूट्यूब पे इन्वेस्ट कर दिया लगा एक शॉर्ट्स दिखे एक दो तीन चार बार फिर वो एक से दो घंटे दो से तीन घंटे कैसे हो जाते हैं आपको नहीं समझ नहीं आता उसके अलावा मुझे लगता है मैंने अपने फ्रेंड सर्कल को भी लिमिट किया जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी फ्रेंड्स का हर तरीके का रोल होता है Definitely. तो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल को लिमिट किया सर उसने भी मुझे बहुत हेल्प किया उसके अलावा मैंने फैमिली गैदरिंग्स भी अवॉइड की हैं, हाँ. मेरी नीस से मुझे इतना प्यार है बट मुझे मैं पिछले चार साल से उसके बर्थडे में भी नहीं गई हूँ oh तो मैं ये सब चीजें और लोगों को लगता है कि एक दिन की तो बात है चले जाए कोई बात नहीं लेकिन वो ये होता है आप वहां पे गए जाने से पहले आपका एक आध घंटा वहां पे रहने के बाद और आने के बाद भी कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में चलती रहे वो घंटा तो है है लेकिन वहां उस घंटे ने जो आपके दिमाग पे किया है, सर। वो आपको काफी टाइम तक बिल्कुल, रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल और वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे वो अपने अपने ओपिनियंस देंगे जो आपको प्रिपरेशन के फेज में आपके लिए मुझे लगता है जरूरी नहीं होता डिस्ट्रैक्ट करता है वो चीज और सर मेरा फोन 2019 जब मैं इंटरव्यू देके आई थी वो गिर के टूट गया था ऑलमोस्ट स्क्रीन टूट गई थी तो आ, मैंने सोचा कोई बात नहीं अब रिजल्ट आ जाएगा तो नया फोन फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ पर फिर मेरे फैमिली वाले सब बोलते थे ले लो नया फोन ले लो बट मैंने वो जान मुझ के अपने पास रखा कि ये मुझे याद दिलाएगा कि तुम प्रिपरेशन लेना।, हाँ, लेना है तुम में हो ये जो नहीं नहीं तो, मैं उस में सर। हुँ, तो हुँ, मैंने वो चीज रखी एज अ मोटिवेशन की मुझे हर दिन सुबह कॉन्स्टेंटली याद एस्पायरिंग फॉर समथिंग वो फायर मुझ में जगी रहे सर ये सब कंफर्ट जोन में

पर्सनल लाइफ में बड़े चेंजेस होते हैं so, आ, <laughs> के बाद सो so ये एग्जैक्टली पर्सनल लाइफ के जो चेंजेस हैं है so, एक तो क्या है और क्या है तो बहुत सारे हैं तो <laughs> लड़कों के तो ये होते हैं कि अब तो भाई दहेज लेना है, <laughs> तो है। आपका वैल्यूएशन होना स्टार्ट so, है और एनी मतलब वो मोहल्ले के वो अंकल जो हमेशा ये कहते थे कि इससे तो कुछ नहीं होगा वो भी कहने लगता <laughs> तो <बज़्ण> <laughs> है ये तो कुछ ऑब्वियस चीजें हैं मतलब इंडिविजुअल होता है बट ये चेंजेस इन योर पर्सनल लाइफ किस तरीके के वो चेंजेस थे और कई बार एक एस्पेक्ट uh, मुझे जो लगता है कि कई बार ये होता है कई बार वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली जो एक सेल्फ uh, कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के बीच का जो बहुत थिन लाइन है वो कब क्रॉस हो जाती है इस एक्साइटमेंट uh, में वो भी कई बार हम अवॉइड कर देते हैं सो so, दो चीजों के आंसर मुझे चाहिए एक तो ये कि हाउ डज इट फील क्या चेंजेस हैं और उसको तुमने बहुत अच्छे से मैनेज किया है दैट आई नो कि वो जो था उस चीज की एक्साइटमेंट वो हैप्पीनेस वो है लेकिन वो लाइन क्रॉस होके हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं हाउ डिड यू मैनेज दैट क्योंकि ये आसान नहीं है किसी के भी लिए स्ट चेंजेस तो बहुत सारे आते हैं सोसाइटी में जो अः सब लोग क्वेश्चन करने लगते हैं कब तक पढ़ेगी कब तक पढ़ेगी और कितना पढ़ेगी शादी करा दो तो उन सब का एकदम से कि हाँ हमको तो पता था कि ये करेंगी ही अच्छा है एवरीबडी इज हैप्पी ये मेरा सिलेक्शन होने के बाद सब मुझे खुद से ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने कितनी बड़ी चीज कर ली या क्या हुआ बट मेरे फैमिली की मेरे आस वालों की खुशी देख के मुझे लगता है कि हाँ ये लोग खुश हैं तो कुछ अच्छा हुआ है ऐसी वाली फीलिंग और uh, uh, बाकी सबके मुझे ऐसा लगता है ऑल ऑफ अडन सबकी एज अ रिस्पेक्ट सबकी टू मी बहुत ज्यादा बढ़ गई और उस चीज का इतना शायद नहीं समझ रही हूँ बट मेरे आसपास वाले समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं। कितना अच्छा हुआ है सर और मुझे लगता है वो जो आपने थिन लाइन की बात की कि वो में ये कॉन्फिडेंस कैसे कन्वर्ट uh, ना हो जाए ऑफकोर्स मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ ये सिलेक्शन के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ है जो कि होता है ना सब एस्पिरेंट्स देखी होगी आपने मूवी वो स्टार्टिंग हाँ, में बोलता है कि इतना नॉलेज होने के बाद भी अंदर से खोखला महसूस होता जब है जब तक टैग नहीं लग जाता जब तक नहीं लग जाते है तो वो भी मैंने विटनेस किया है सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम जीरो और उसके बाद अब मुझे फील होता है सर कितना कॉन्फिडेंस है।, है।, है लेकिन मुझे सर मुझे ऐसा लगता है मेरे केस में कि मैं मैं अभी कुछ एंटिसिपेट नहीं कर सकती कि वो एरोगेंस में आए या ना आए बट आई रियली डोंट वॉन्ट इट टू गेट डेफिनेटली और मेरी जो पास जर्नी रही है मैंने जो फेलियर्स देखे हैं मुझे लगता है दैट विल ऑलवेज हेल्प मी स्टे ग्राउंडेड डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा पॉइंट शायद तुमने बताया है आज की मतलब जो आपकी जो जर्नी होती है ना उस पर भी डिपेंड करता है कि होने के बाद हाउ यू आर गोइंग टू रियक्ट क्योंकि जिसने इतना ज्यादा वो देख लिया हो फेलियर्स और इतने ज्यादा

मेरे ख्याल से ये चीज आपके दिमाग पे चढ़ती नहीं है और वो एरोगेंस में कन्वर्ट नहीं होती आई रियली थैंक मेरा ये जो ईयर था मैं लाइफ में किसी भी इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें नहीं सीख पाती नहीं। जो मेरे इस फेलियर ने मुझे सिखाया है बट मैं आ, मेरी फैमिली मेरे साथ थी इसलिए भी शायद और मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि मेरे फेलियर के बाद भी course, मैं सब बहुत दुखी थी लेकिन मैंने फिर ये नहीं किया कि मैं मैं बोलूं कि एग्जामिनर की गलती थी कि उन्होंने हुँ, मुझे मार्क्स नहीं दिए मैंने अपनी शॉर्टकमिंग्स अक्नॉलेज किया है उनको दूर करने की कोशिश की है और फिर अपने आप को और इम्प्रूव किया है हुँ, तो हुँ, वो उसने मेरे में मुझे बहुत किया। वो तो आपको करना ही है और फिर आगे बढ़ना है Uh, इसके बाद एट दी एंड एक इम्पोर्टेंट सवाल कि ऐसा क्या कुछ कुछ सीक्रेट uh, सॉस या कुछ मंत्रा दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद व्यूअर्स सर so, मेरे हिसाब से कोई सीक्रेट सोर्स नहीं है लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैंने ये चीज डिराइव की है कि द फर्स्ट एंड फार्मोस्ट थिंग इज सेल्फ बिलीफ आप अपने आप पे विश्वास नहीं करेंगे तो आप सामने वाले को अपने आप पे विश्वास कभी नहीं करा पाएंगे तो सेल्फ बिलीफ इज द फर्स्ट एंड फार्मोस्ट थिंग सेकेंड इज हार्ड वर्क आप हार्ड hmm. वर्क को कहीं कभी नहीं अवॉइड कर सकते बिकॉज देर इज नो गेन विदाउट पेन तो आप हार्ड वर्क करिए आप कंसिस्टेंट रहिए आप कंसिस्टेंसी इज द की आप पेशेंट रहिए क्योंकि ये जुडिशल सर्विस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आपको हर दिन वो एक दो दिन में रिजल्ट्स नहीं आएंगे वो फेजेस में एग्जाम्स होते हैं इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस तो आप थोड़ा पेशेंट रहिए और परसिवरेंस रखिए मेरे हिसाब से ये थी ऑल राइट ऑल राइट सो ये कुछ की पॉइंट्स हैं यू मस्ट कीप इन योर माइंड पेशेंस होना चाहिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है और हार्डवर्क तो डेफिनेटली है ही उसके बिना तो uh, कुछ मिलेगा नहीं सो दैट्स ऑल फॉर टुडे मुझे लगता है ये जो डिस्कशन था <laughs> इसीलिए uh, उसको मैं ऐसे किसी फॉर्मल इंटरव्यू की तरह नहीं करना चाहता था बिकॉज uh, क्योंकि ना वो एक्चुअली जो होता है जो हमने ओवरऑल इस पूरे डिस्कशन में डिस्कस किया वो दोनों एस्पेक्ट होते हैं अकेडमिक तो है ही साथ में वो नॉन अकेडमिक पोर्शन भी है जो काफी इम्पोर्टेंट होता है और क्योंकि यू हैव बीन एसोसिएटेड विद अस फॉर लास्ट टू इयर्स तो वो yeah. पूरा एक एक चीज देखी है कि क्या सफर करना होता है और कैसे सो आई होप दिस इंटरक्शन विल हेल्प एस्पिरेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस जर्नी एंड टू प्रिपेयर देमसेल्फ टू एंटर इन टू दिस जर्नी और एक बेटर माइंडसेट के साथ uh, मुझे लगता है इस डिस्कशन के बाद एस्पिरेंट्स uh, जर्न, जर्नी में आ पाएंगे सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस